पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की जीवन यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में भव्य एवं गरिमा में समारोह हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा एवं जस्टिस एम एन भंडारी समेत देश भर की जानी मानी हस्तियां शुभकामनाएं देने पहुंची। सुबह से ही अतिथियों के जयपुर आगमन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक, लेखक, चिंतक और साहित्यकार गुलाब कोठारी की तीसरी पीढ़ी के अगस्त्य स्वस्ति और स्वरा की अपने बाबा के सम्मान में दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह का शुभारंभ हुआ। जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित रोजी आमेर में आयोजित समारोह का आकर्षण पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्या देवोप्रिया और सुचिस्मिता के बांसुरी वादन के साथ लंगा समुदाय के गायक मेहरुद्दीन एवं साथियों के साथ जुगल बंदी रही, जिसने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सद्दे पिताजी ने सदा एक बात दोहराते रहे कि पाठक हमारा भगवान है। आज भी हमारा यही संकल्प है। अखबार हमारी पूजा की थाली है, पाठक के सुखद जीवन की कामना के फूल भरते हैं इसमें। ब्रह्म मुहूर्त में आकर उसे देवता के घर पहुंचाता है, उसे प्रसन्न रखना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इसी भावभूमि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2020 को इस तथ्य की पुष्टि की कि जब उन्होंने दो ग्रंथों का ऑनलाइन विमोचन किया तो पत्रिका अखबार हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। नमन करता हूँ उनको। बताइए अब कौन सा सम्मान इसे बड़ा होगा। आप सबकी उपस्थिति ने इस सम्मान को रत्नों से जड़ दिया है। इससे बड़ी दौलत और कमाई क्या हो सकती है। आप सब मेरे जीवन का धन है, सम्मान है, गौरव है। आप सदा हमारे साथ रहें, यही प्रार्थना भी है और आप सबको प्रणाम भी करता हूँ। नमस्कार।